तो हेलो एंड वेलकम वीडियो में आप लोग को बेटलगढ़ मोबाइल इंटेक के डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड आप लोग को अपडेट देने वाले अगर आप अभी बेटलगढ़ मोबाइल इंटेक के अंदर डाटा ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपका जो डाटा वो आगे जाकर ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है तो उसी के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल्स देने वालों तो अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना चाहते उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि भाई अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो इससे तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिलेगा सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ तो ये जो नोटिस है अगर आप चाहो तो गेम के अंदर भी जाके चेक कर सकते हो तो आप जैसे गेम के अंदर जाओगे डाटा ट्रांसफर नोटिस नाम का आपको नोटिस शो हो गया होगा तो गाइस जैसे उस नोटिस के अंदर क्लिक करके आप सीधा जाके पढ़ सकते हो नहीं तो आप बेटल इंडिया के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट उसके अंदर भी जाके पढ़ सकते हो जैसे कि आप लोग देख तो एक घंटे दे पहले इसको पोस्ट किया गया तो उसको लेकर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर हम अभी बेटलगढ़ मोबाइल इंडिया के अंदर डाटा ट्रांसफर करते तो हमारा जो डाटा वो ट्रांसफर नहीं होगा क्या या फिर सिक्स जुलाई के बाद से बेटलगढ़ मोबाइल इंडिया के अंदर डाटा ट्रांसफर नहीं होगा क्या तो उसको लेकर पूरा आप लोगों को

डाटा ट्रांसफर करने के बाद ही आपको जी, वो जो रिवॉर्ड मिल जाएगा उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो उन्होंने यहां पर लिखा है कि

सिक्स जुलाई के बाद से अगर आप, आपका जो डाटा वो बेटलगढ़ मोबाइल इंडिया के अंदर ट्रांसफर करते हो तो आपका जो डाटा वो ट्रांसफर नहीं होगा कैसे यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर मतलब लगेगा कि सिक्स जुलाई के बाद से डाटा ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन कैसे मैं आप लोग को बता करूँ जैसे आपको पता होगा कि जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था तो वहाँ पर बताया गया कि थर्टी दिसंबर तक आप आपका जो बेटलगढ़ मोबाइल इंडिया के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हो गैस यहाँ पर सिक्स जुलाई तक यहाँ पर शटडाउन किया गया डाटा ट्रांसफर क्योंकि आपको पता होगा कि सिक्स जुलाई को बेटलगढ़ मोबाइल इंडिया के अंदर नया अपडेट आने वाला है तो शायद उसी के वजह से या पर सिक्स जुलाई को डाटा ट्रांसफ़र किया गया है तो गया उसके बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद आप इसलिए आपका जो डाटा वो डा ट्रांसफ़र कर सकते हो लेकिन अगर आप अभी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन आप सिक्स जुलाई के बाद आप कुछ दिन डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके बाद आप जो डाटा ट्रांसफर कर सकते हो तो। लेकिन आज अगर आप अभी बेटलगढ़ मोबाइल इंटे को लेकर इंस्टॉल करते हो इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चाहते हो आपका जो डाटा उसको ट्रांसफ़र करना है तो आप अभी डेफिनेटली कर सकते हो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन सिक्स जुलाई के बाद से शायद दो तीन दिन हो सकता है शटडाउन कर दिया जाए

आपको आज का वाला वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे और अपने स्कोर के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलता है विकने वीडियो में तब तक के लिए